ये देखो दोस्तों, है ना, एकदम क्रिस्पी। बाहर से एकदम क्रिस्पी है और अंदर से एकदम सॉफ्ट। कच्चे आलू से दोस्तों 5-10 मिनट की आप प्रिपरेशन में इसको बना सकते हो और एक बार में बहुत सारे बन जाते हैं। तो चाहे रमजान हो या आपके घर में कोई गेस्ट आने वाले हो, ये स्नैक एकदम इंस्टेंटली बन जाता है और सबको बहुत पसंद आता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत। आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। सबसे पहले दोस्तों, सीधा ही मैं आपको ले चलता हूं कच्चे आलूओं के ऊपर। मैंने यहां पर लगभग 10 मीडियम साइज के आलू लिए हैं और उनको एक मीडियम साइज के ग्रेटर से आप यहां पर आलूओं को घिस लेना। मोटा वाला ग्रेटर मत लेना दोस्तों, टेक्सचर सही नहीं आएगा। और अगर बहुत फाइन घिसोगे तो ये जो नगेट्स हैं ये बहुत ज्यादा करारे बन जाएंगे। अब मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आपने आलूओं को 10 बार धोना है, उनका एक्सेस स्टार्च निकालना है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना दोस्तों। आप बस लेना एक कपड़ा, कपड़े के बीचों बीच रखना इन घिसे हुए आलूओं को और फिर कपड़े को अच्छे से फोल्ड करके पूरी जान लगाना, जितनी जान आप लगा सकते हो। सारा पानी, इनफैक्ट जितना एक्स्ट्रा स्टार्च भी होगा वो भी निकल जाएगा। आपको यकीन नहीं हो रहा ना, एकदम शॉर्टकट तरीका है दोस्तों। आप खुद ही देखो, पानी को आप हल्का चलाओगे ना तो आपको एक वाइट सी परत दिख जाएगी। ये है दोस्तों पोटैटो स्टार्च। अगर मैं इस पानी को पूरा उड़ा दूं तो सिर्फ एक पाउडर बन जाएगा पोटैटो स्टार्च का। खैर, ये तो मैंने सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बताया है, लेकिन अभी हमारे आलू का पनीर देखते हैं वो कैसा लग रहा है दिखने में। ये देखो, बढ़िया है ना, मिनटों में ही आपका सारा काम हो जाएगा। बस आपने आलूओं को घिसना है और जब इस पनीर को हल्का सा दबाओगे तो सारे लच्छे आलू के एकदम अलग हो जाएंगे। तो फ्लेवर्स की बात कर लेते हैं। सिंपल सिंपल बनाना है तो आप यहाँ पर चिली फ्लेक्स डालना 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून मैंने ओरिगानो यानी कि पिज्जा वाली सीजनिंग डाली है और ध्यान रहे इसमें गार्लिक भी होता है। साथ साथ नमक मत भूलना। और मैंने जो हरी मिर्चे है ना, थोड़ी सी ज्यादा ली हैं, 5-6 ली हैं, लेकिन उनको एकदम फाइनली छोटा छोटा चॉप किया है। आप कर सकते हो तो बहुत बढ़िया रहेगा क्योंकि सारी अच्छे से मिल जाएंगी। आप फ्रेश धनिया लेना और धनिया को डंठल के साथ एकदम फाइनली चॉप करके डालना। आलूओं के साथ ये सारी चीजें आप अच्छे से मिला देना और बस इतनी चीजों से ही एकदम अमेजिंग टेस्ट आ जाएगा। अब आप सोच रहे हो कि इसमें बाइंडिंग कैसे करेंगे। बाइंडिंग करने के लिए दोस्तों आप सिर्फ अरारोट यानी कि कॉर्न स्टार्च डालना। कितना डालना है? हर 2 आलू के लिए 1 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च काफी रहेगा। सारी चीजों को आप अच्छे से मिलाना और ऑटोमेटिकली ये जुड़ने भी लग जाएगा। है ना एकदम सिंपल। अब आप सोच रहे हो कि भरत भाई, ये आलू में बाइंडिंग कैसे आएगी, ये जुड़ेगा कैसे, क्योंकि सारा पानी तो हमने अच्छे से निचोड़ के निकाल दिया ना। तो आप ये देखो, मैं आलू को अच्छे से दबाता हूँ तो उनसे पानी निकलकर बाहर आ जाता है, क्योंकि दोस्तों आलू में सबसे ज्यादा पानी ही होता है। पानी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों। तो आराम से बाइंडिंग भी हो जाएगी। बस आपको करना यह है कि सीधा सीधा एक आइस ट्रे लेनी है। एकदम शॉर्टकट ही है सच में। आइस ट्रे में आप एक चम्मच से डालना थोड़े से आलू के लच्छे और इनको अच्छे से प्रेस कर देना। यहाँ पर प्रेस करना बहुत जरूरी है, नहीं तो जब आप इसको निकालने जाओगे ना तो ये बिखर जाएगा। अच्छे से प्रेस करना और सीधा ही ऐसे बना देना। अगर आप मेरी तरह बच्चों के लिए भी बना रहे हो तो आप ऐसी आइस ट्रे का यूज भी कर सकते हो जिसमें कि ऐसी ऐसी शेप्स भी बन जाती हैं। अमेजिंग लग रही है ना, स्टार वाली है, हार्ट वाली है और फ्लावर वाली है। मेरे बच्चों को तो ये बहुत पसंद आने वाली है। ऐसे ही सेट कर दिया है मैंने और सीधा ही आप इसको फ्रीजर में रख देना। बस जितनी देर में आपके फ्रीजर में बर्फ जमती है उतनी ही देर में ये आराम से जम जाएंगे। और हाँ, आप इनको बिल्कुल इजीली 7 दिन तक आराम से चला सकते हो। फ्रीजर में ही देना, जब खाने का मन करेगा सीधा फ्राई कर देना। इसके साथ एक स्पेशल चटनी भी तो होनी चाहिए है ना, जो आपने कभी देखी भी ना हो। तो आपको ऐसी धनिया की चटनी दिखाता हूँ जो आपने कभी देखी ही ना हो। धनिया लेना एक बंच, उसमें डालना 4-5 हरी मिर्चें। जितनी मिर्चें होंगी उतनी ही आप लहसुन की कली डाल देना, थोड़ी सी अदरक डालना, बर्फ डालना और 1 चम्मच नमक डालना। ये सारी चीजों को अच्छे से मिलाकर मिक्सी में ग्राइंड कर देना। आपको क्या मिलेगा? एक नॉर्मल सी स्पाइसी सी धनिया की चटनी। ये चटनी है स्पेशल? नहीं नहीं दोस्तों, ये चटनी नहीं है स्पेशल। अब आपने क्या करना है कि आपने पैन लेना है, गैस ऑन करना, एकदम लो फ्लेम पर छोड़ना, फिर उसमें डालना मक्खन और 1 कप दूध। और दूध जैसे ही गर्म हो जाए, हल्का सा गर्म हो, तो चीज क्यूब्स लेना। 3 चीज क्यूब्स लिए है मैंने यहाँ पर और उनको अच्छे से ग्रेट कर दिया है। ध्यान रहे फाइन वाले ग्रेटर से करना, क्योंकि अगर मोटे वाले ग्रेटर से करोगे तो उस चीज को पिघलने में बहुत टाइम लग जाएगा और वो इवन टेक्सचर नहीं आएगा हमारी सॉस का।
तो फाइन वाले ग्रेटर से सारी चीज क्यूब्स को घिसना और इनको धीरे 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 करके दूध में अच्छे से पका देना। नमक डालने की आपको कोई जरूरत नहीं है क्योंकि चीज में ऑलरेडी नमक भी होता है, फ्लेवर भी होता है। बस अब इस बात का ध्यान देना है कि बुलबुले कैसे आ रहे हैं। अगर छोटे छोटे बुलबुले आ रहे हैं तो इसका मतलब अभी सॉस बहुत पतली है, लेकिन जैसे ही पकाते पकाते बुलबुले गाढ़े हो जाएंगे और इसके ऊपर एक स्किन सी बनने लग जाएगी, तो आप मान के चलना कि चीज सॉस अभी उतनी पक चुकी है कि जिससे कि एकदम परफेक्ट रिजल्ट आए। आप ये देखो, साइड्स में देखो बुलबुले कैसे आ रहे हैं, हो गए ना बड़े बड़े पकाते पकाते। तो बस इसी टाइम पर अब आप यहाँ पर डालना वो धनिया की चटनी, जितना आपको फ्लेवर पसंद है उतना आप डालना। मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है तो इसलिए मैंने यहाँ पर 5 टेबलस्पून डाल दिया है। इसको अच्छे से मिलाना। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भरत भाई ये सॉस तो बहुत ही पतली है, ये तो पानी जैसी लग रही है। तो कोई टेंशन नहीं दोस्तों, बस इसको ठंडा होने देना, क्योंकि हमारी स्पेशल कोरिएंडर चीज सॉस, हाँ दोस्तों ये धनिया चीज वाली चटनी ही बहुत ही अमेजिंग लगती है और ठंडी करके ऐसी गाढ़ी सी हो जाती है और इस रेसिपी को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट भी करती है। अब आपको दिखाता हूँ वो मेन चीज जिसके लिए आप इतनी देर से वेट कर रहे हो। देखो जमने के बाद जब आप अपनी आइस ट्रे निकालोगे, तो वैसे तो मैंने इसको प्लास्टिक से अच्छे से कवर करके रखा था ताकि इसमें कोई भी बैक्टीरियल फॉर्मेशन ना हो, लेकिन जब आप ऐसे आइस ट्रे निकालोगे और बस हल्का सा ऐसे करोगे तो सारी हमारी आलू के टुकड़े ऐसे पॉप हो जाएंगे और तो और एक एक शेप एकदम परफेक्टली बनकर आएगी, है ना एकदम मजेदार। दोस्तों बाय चांस अगर कोई शेप परफेक्टली नहीं भी आती तो आप चाकू से उसको निकालना, बहुत इजीली निकल जाएगी। हाँ बस शर्त ये है कि वो अच्छे से जमा होना चाहिए। हल्का सा मैंने यहाँ पर टैप किया है अपनी आइस ट्रे में और ऐसे ही स्टार वाली शेप भी आ गई है, अमेजिंग है ना दोस्तों। बस अब इनको आपको सीधा फ्राई करना है, लेकिन फ्राई करते वक्त एक बात है कि एकदम हाई टेम्परेचर पे इनको फ्राई करना है, क्योंकि अगर हाई टेम्परेचर नहीं होगा तो ये सारे अच्छे से चिपक जाएंगे। तो 180 यानी कि जब आप डालोगे स्नैक तो सीधा ही एकदम इससे बुलबुले आने चाहिए। गरम गरम तेल में आपने इसको डालना है क्योंकि ये बर्फीला है तो तेल का टेम्परेचर ड्रॉप कर देगा ना। ये देखो थोड़ा कम हो गया ना, और घबराना मत अगर ये सारे चिपकने ऐसे लग भी जाएं तो हल्का सा जब आप स्टर करोगे पकते पकते ये अपने आप ही अलग भी होने लग जाएंगे। बस आपने फ्राई करना है गोल्डन ब्राउन होने तक या जब तक ये ऐसे नहीं दिखने लग जाते, है ना एकदम सिंपल अमेजिंग। एक ही बार में ही बहुत सारे आप बना सकते हो, एकदम परफेक्ट है रमजान के लिए, इफ्तार के लिए, या बारिशों के लिए, या कभी भी कोई घर पर आ रहा हो तो आप घर में कभी भी तैयार करके रख सकते हो। दोस्तों 6 मिनट लगते हैं आपको 18 समोसे बनाने में, यकीन नहीं होता ना मेरी बातों पे। दोस्तों आप खुद ही देख लो, ये वाली वीडियो आप देखना, इसमें एकदम इंस्टेंट तरीका बताया है जो कि आपको बहुत पसंद आएगा।